गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष ड्यूटी, टीम सीएलसी। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। आज अपन सर ब्लॉक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें 15 टू 18 फैमिली की अपन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है सर, H3PO4 को अपन हीट करते हैं कितने पर? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, एक्स बनता है। उसके बाद इसको अगर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन गर्म करें तो वाई बनता है, स्ट्रॉन्गली हीटेड करें तो जेड बनेगा। जिससे पूछा एक्स वाई जेड क्या होगा, बताए सर। बिल्कुल सर, अगर H3PO4 है, अगर अपने टेम्परेचर इसका 250 रखते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, दो मॉलिक्यूल से आपका H2O निकलेगा, तो यहाँ पे पाइरोएसिड बन जाएगा H4P2O7। फिर जब इसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो ये मेटा में चला जाएगा HPO3। बिल्कुल सर, और स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो इसका एनहाइड्राइड बना देगा। इन सब में एक ही चीज को आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेज सब में सेम रहेगी। ये प्लस फाइव में है तो आगे ये प्लस फाइव आएगा, ये प्लस फाइव में रहेगा, ये भी प्लस फाइव में रहेगा, और इसको सीधा ही स्ट्रॉन्गली हीट कर रहा है तो एक ही मॉलिक्यूल से H2O निकल करके मेटा बन जाएगा। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा जी, कहीं भी आपको क्या रेड हॉट मिल जाए। बिल्कुल सर, रेड हॉट मिल जाए या आपको स्ट्रॉन्गली हीटेड मिल जाए, उसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, लास्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड मिलेगा। जैसे अपन बात करें, आपको बात करें H2SO4 का, अपने को एनहाइड्राइड बनाना है तो जितने भी हाइड्रोजन है उनको किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल दो, तो कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक H2O बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास एनहाइड्राइड क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। SO3 क्या है, एनहाइड्राइड है, किसका, H2SO4 का। चाहे किसी और को ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने बात की H3PO3 की बात की, अब इसमें कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, इनको अपने को इवन नंबर में चेंज करना है, सम नंबर में। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, H6P2O6 बन गया। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, कितने निकल सकते हैं, तीन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगी, तीन वाटर मॉलिक्यूल निकले तो पीछे क्या बन जाएगा अपने पास, P2O3, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, P4O6 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया अपन एनहाइड्राइड किसी का भी बना सकते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा H4P2O7 HPO3 एंड लास्ट में आ गया P4O10। इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं क्योंकि बीच में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। जी सर, व्हाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद लाइम वाटर गिव कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड ए। एक एसिड ए का कैल्शियम सॉल्ट देता है अलोंग विद ए गैस एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अपने को ये तो ध्यान रखना ही है कि करेक्ट क्या चीज है। इसमें बात करें अपन, व्हाइट P4 दे रखा है, P4 की रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो इनकी रिएक्शन अगर अपन कराएंगे तो क्या बनेगा सर, इसमें बनेगा फॉस्फीन प्लस कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड, बताए सर। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो मीडियम दिया जाता है वो इनर्ट मीडियम दिया जाएगा, और जैसे कि आप एनसीईआरटी में ये रिएक्शन NaOH के साथ। बिल्कुल सर, यहाँ पे PH3 हाइड्रोलाइसिस करते हैं, किसका, श्वेत फॉस्फोरस या व्हाइट फॉस्फोरस। तो गैसियस कंपाउंड अपना सर PH3 हो गया। बिल्कुल सर, गैसियस कंपाउंड के बारे में ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले कह रहा है A on heating gives X and O2, तो O2 नहीं देता, ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट अपने पास। फिर कह रहा है जो X है, X अपने जो की गैस है PH3, उसमें जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया से कम होगा। बिल्कुल, NH3 है और ये PH3 है। अपने को बताया इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जबकि इसमें तो प्योर मेटल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, वो ड्रैगन रूल वाली बात आ गई। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा नियर बाय 90 आ जाएगा। या फिर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक वर्ग में, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम के पास एक या दो लोन पेयर है, लेफ्ट एटम सेम। बिल्कुल, तो इसमें अपना आंसर सेकंड आ जाएगा, सही पूछा है। नेक्स्ट बात करें। जी सर, Which of the following is correct? Correct की बात कर रहा है। कौन सा सही है, बताएं सर। तो बिल्कुल, N2 एक लाफिंग गैस है और ये एंगुलर ना होकर के लीनियर शेप में होता है। बिल्कुल सर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना। फिर ऐसे ही NO2 की बात करें तो NO2 की जो स्मेल है वो आपकी कैसे बता रहा है, स्वीट और एंगुलर। बिल्कुल, NO2 आपका कैसा होता है,
एंगुलर होता है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है वो अपनी स्वीट नहीं होती। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में अपन बात करें एनो इज कलरलेस, तो एनो और एसिडिक, एसिडिक नहीं, ये अपना न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसके कारण ये रॉन्ग होगा। हाँ, जैसे N2O और NO ये दोनों ही न्यूट्रल है, इसके अलावा कार्बन का एक ऑक्साइड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल है। बिल्कुल सर। फोर्थ ऑप्शन तो अपन देखते हैं NO2 की रिएक्शन है NaOH के साथ करवा रहा है, तो दो सोल्ट के मिक्सर बन गए। तो अपने को पता है कल भी अपन ने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि जो NO2 होता है वो आपका मिक्सड ऑक्साइड है, मिक्सड एनहाइड्राइड है। बिल्कुल। यहाँ पर दो प्रकार के एसिड बनते हैं HNO2 और HNO3 और HNO3, तो दो प्रकार के एसिड है, तो दो प्रकार के सॉल्ट सॉल्ट बनते हैं। सोडियम जैसे NaOH से रिएक्शन करवाए सोडियम नाइट्राइट बना देगा, ये सोडियम नाइट्राइट बनेगा। तो अपना सर यहाँ पे फोर्थ आंसर है, फोर्थ अपना सही आंसर आ जाएगा। कल भी अपन बात कर चुके हैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है प्लस फाइव आ रही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है प्लस थ्री आ रही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस फोर है, तो मतलब ये दोनों का इंटरमीडिएट है, तो मतलब मिक्सचर है, एक मोल इसका और एक मोल इसका है। नेक्स्ट बात करें सर। नेक्स्ट बिल्कुल सर। द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड इन द रिएक्शन, राइट सर। बिल्कुल सिंपल सा है सर, थोड़ा फिजिकल का यहाँ रोल है, अपने को बताया ये प्लस फाइव में है और यहाँ पे भी ये प्लस फाइव है, सॉल्व करके देख लेंगे बच्चे। बिल्कुल सर। तो ऑक्सीडेशन स्टेज यहाँ चेंज नहीं हुई है, तो एन फैक्टर यहाँ बंद हो गया। ओके सर। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जो इसका वेट होता है ना वही इसका आपका क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा, नहीं तो क्या होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, तो वैलेंस फैक्टर इसके लिए वन ही माना जाएगा। तो यहाँ से देखें तो इसका देखें थ्री, फिर इसका कितना हो गया 15, 31 ये हो गया और 64 ये हो गया, तो टोटल आ गया 98, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर इसका सर अकेले का पूछता ना तो फिर इसकी बेसिसिटी का डिवाइड होता, लेकिन इस रिएक्शन में पूछ रहे तो रिएक्शन के दौरान तो अपने को ये देखा जाता कि ऑक्सीडेशन स्टेज में कितने का चेंजेस हो रहा है। बिल्कुल आंसर फोर्थ आ गया। हाँ, नेक्स्ट बात करें अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया को किसके द्वारा शुष्क किया जा सकता है, अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। बिल्कुल सर। तो अपन उसको बेस के द्वारा ही शुष्क कर सकते हैं, एसिड के द्वारा शुष्क नहीं करेंगे, क्योंकि अपना अमोनिया कैसा आ गया बेसिक नेचर का, तो अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। बिल्कुल सर। तो ये सॉल्ट बना देगा P4O10, ये भी सॉल्ट बना देगा क्योंकि ये वी के बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोजिशन है, तो बेस यहां स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो एसिडिक नेचर हो गई इसकी, तो ये भी एसिडिक है, बेसिक कौन अपने कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, क्योंकि इसके अंदर अगर वाटर के मॉलिक्यूल है तो ये उनको अब्सॉर्ब करेगा। बिल्कुल। और अब्सॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब आपको पता है ये भी बेस है और ये भी बेस है, ये रिएक्शन नहीं करेगी, सिर्फ मोस्टर को ही इसने अब्सॉर्ब किया। बिल्कुल। तो आंसर आ गया अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर। जी सर। द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड N3-R, ओजोन और N3- की स्ट्रक्चर कैसी होगी। ओजोन के लिए अगर बात करो बेटा, ओ डबल बॉन्ड ओ और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है दूसरी ऑक्सीजन से, इसके ऊपर कितना है एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर दो सिग्मा हो गए। बिल्कुल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर आ जाएगी अपने पास, बैंड शेप आ जाएगी। जी सर। ठीक है। और इसकी बात करते हैं एजाइडाइन, ये कौन है बेटा जी, एजाइडाइन, एजाइडाइन की आपको स्ट्रक्चर बताएं, एन डबल बॉन्ड एन कोऑर्डिनेट एंड एन, और इसके ऊपर क्या आता है माइनस चार्ज आता है। तो इस नाइट्रोजन के लिए अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, इसका लोन पेयर कहां जा चुका है, बैक बॉन्डिंग में जा चुका है। ये कौन सी बैक बॉन्डिंग है बेटा, 2p pi एंड 2p pi बैक बॉन्डिंग है, इसमें दो सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, sp आ गया, कौन सा आ गया, sp आ गया। ये बात अपन केमिकल बॉन्डिंग में पहले कर चुके हैं। बिल्कुल। और sp सेंटर से डायरेक्ट अटैच एटम हमेशा लीनियर होगा, और sp2 से डायरेक्ट कोई एटम है तो वो प्लेनर माने जाते हैं। फोर्थ आंसर आ गया। तो बैंड एंड लीनियर। नेक्स्ट चलिए सर, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2Cl2 की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है बेटा जी, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे H2O2 की होती है। वैसे सर ने कहा था कि दो sp3 सेंटर आपके पास होते हैं और दो सिग्मा एंड दो लोन पेयर हो, और दो लोन पेयर हो, ये बात ऑलरेडी सर बोल चुके हैं आपको, दो सिग्मा और दो लोन पेयर अगर अटैच हो। हाँ, तो अपन क्या कहेंगे, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलो या हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलो, जैसे कि H2O2 हो गया, O2F2 हो गया, H2Cl2 हो गया, तो अपना आंसर आ जाएगा
थर्ड थर्ड आंसर इनके पास ध्यान रखना लोन पेयर है और ये देखने में ऐसे लग रहे हैं कि लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में चलो चलो और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जितनी भी होती है सर बेटा पोलर और नॉन प्लेनर होती है पोलर और नॉन प्लेनर ये जरूर याद रखना जितनी भी ओपन बुक लाइक या हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं वो सारी की सारी पोलर और नॉन प्लेनर है नेक्स्ट देखते हैं सल्फर रेट विद क्लोरीन इन 1:2:2 रेशियो एंड फॉर्म XX ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ए सल्फर कंपाउंड Y व्हाट इज द हाइड्रोलाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन द एनायन ऑफ Y ग्राइस सर क्वेश्चन बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है सल्फर और क्लोरीन की रिएक्शन यहां करवा रहा है और अगला कह रहा है 1:2:2 तो ये 1:2 में होंगे तो ये अपना बन जाएगा HCl4 फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है X तो ये हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस कराएगा तो क्या बनेगा H2SO3 बन जाएगा क्या बन जाएगा H2SO3 अब इसमें बात करें इसके एनायन के लिए बात करें तो इसका एनायन आ गया SO3-2 आ गया इसमें हाइब्रिडेशन काउंट करोगे तो कौन सा आ जाएगा SP3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा क्या देगा H का आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा बस इनमें यही ध्यान रखना है कि जिसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो और जो ऑक्सीएसिड आपका बनने वाला है उनमें हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है हाइड्रोलाइसिस कभी भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है एक अपने जीनोन के क्लोराइडों में हाइड्रोलाइसिस से एक रेडॉक्स रिएक्शन आ जाता है जैसे डाइक्लोराइड का या फिर टेट्राक्लोराइड का नेक्स्ट बात करें इस आंसर आ गया अपना सेकंड When PCl5 react with sulfuric acid, sulfural chloride SO2Cl2 is formed as the final product. This show that sulfuric acid. तो रिएक्शन कराएं अगर अपन PCl5 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं H2SO4 से करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अपने को SO2Cl2 मिल रहा है क्या मिल रहा है SO2Cl2 मिल रहा है यहां पर देख रहे हैं कि सल्फर के दो OH थे वो क्या हो गए बिल्कुल रिमूव हो गए अगर इनकी बात करें तो ये आपका था OH और ये दोनों OH रिमूव हो गए इसका मतलब क्या है इट इज अ डायबेसिक पर ये रिएक्शन में ये नहीं बता रहा has great affinity for water water ka koi baat nahi ho rahi yahan par ji sir has two hydroxyl group in its structure jo kya ho rahe hai replace ho rahe hai to is reaction ke apne ko kya pata chal raha hai iske paas do hydroxyl group hai jo replace ho rahe hai apna answer kaun sa aa jayega third answer aa jayega isme ek cheez aur hai sir ki jaise yahan par do chlorine nikle to ye dhyan mein rakhna hai ki iske jo axial bond hai wo tootenge wo tootte hain kyunki ye lambe hai to bond dissociates the energy according to bend rule ji sir next baat kare ji sir ओजोन डेट विद मॉइस्चर आयोडीन गिवन आयोडीन की रिएक्शन ओजोन की रिएक्शन करा रहे हैं किससे मॉइस्चर वाली आयोडीन से तो बताइए सर काफी इंपॉर्टेंट है अगर मॉइस्चर के साथ देते हैं तो HIO3 बनता है ऑक्सी एसिड बनेगा लेकिन ये चीज अगर यहाँ पे ड्राई कर देते हैं तो अपना I4O9 बनता है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आपको ध्यान रखना है मॉइस्चर देते हो HIO3 बनना है और अगर ड्राई देते हो I4O9 तो अपने तो जैसे कि मॉइस्चर दिया तो अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट बात करें NaOCl ऑन हीटिंग विद NS3 एट हाई टेंपरेचर NaOCl को अपन रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड है बिल्कुल सर सोडियम हाइपोक्लोराइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिल्कुल सर वो अमोनिया का क्या कर देगा ऑक्सीडेशन कर देगा बताइए सर अगर इनकी रिएक्शन करेंगे तो NH2Cl और अपना NaOH बनता है जनरली लेकिन यहाँ पे दे दिया आपको हाई टेम्परेचर तो जैसे इसको बॉईल करेंगे ये अपना N2H4 बना देगा हाइड्रोजन जी सर तो इसमें फर्स्ट आंसर आ रहा है तो इसमें ये टेम्परेचर वाली कंडीशन इनको ध्यान रखना है नेक्स्ट बात करें जी सर F2 and Cl2 are soluble in water because ये reaction F2 की water के साथ है Cl2 की water के साथ बताएं सर बिल्कुल इसमें आपको ये ध्यान रखना है F2 तो water को decompose करता है तो अगर देखा जाए तो F2 H2O के साथ reaction करेगा तो अगर इसके दो molecule लेके चलते हो तो यहाँ पे दो हो जाएंगे आपके 4HF बनेगा और O2 बनेगा लेकिन यही काम है अगर इनके तीन तीन मोल के साथ करवा देते हैं तो अपना यहाँ पे 6HF और यहाँ पे ओजोन बनने वाली है हालांकि कई बार प्रोडक्ट में ओजोन नहीं दिखाई सिर्फ ऑक्सीजन ही दिखा जाता है क्योंकि ये आगे जाके अपना O2 और टूट जाता है तो
अपन ये बोल सकते हैं एफ टू रिएक्ट विद वाटर, और जबकि सीएल टू की रिएक्शन, इसकी सीएल टू की रिएक्शन अपन वाटर से कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एच सी एल प्लस एच ओ सी एल। एच ओ सी एल इसमें अनस्टेबल होता है, तो इस हिसाब से ये आगे डीकंपोज हो जाता है HCl और एसिड, इसी वजह से ये ब्लीचिंग और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ये इसलिए Cl2 का उपयोग किसमें किया जाता है, पानी के प्यूरिफिकेशन में, वाटर के प्यूरिफिकेशन। तो अपन देखते हैं क्या क्या, F2 react with H2 give HF and O2, Cl2 react with H2 give HCl and HClO। फिर कहता है सी एल टू की ये रिएक्शन दे रखी है, कह रखा है कि ब्रोमीन की इसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करता है, और कुछ एक जगह ऐसे लिख रखा है कि बी आर टू वॉटर के साथ रिएक्शन न के बराबर शो करता है, तो जब भी रिएक्शन करवाने की बारी आई तो अपन उसको सी एल टू के साथ रखेंगे। और यही बात अगर आयोडीन के साथ करें तो आयोडीन के लिए कहा जाता है कि नेगलिबल शो करता है, नगण्य मात्र रिएक्शन करता है, क्योंकि एचआई बनेगा, और अपने को पता है आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वापस रिएक्शन को पीछे ले आएगा, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आयोडीन की जब बात करें तो अपने वाटर के साथ कहते हैं कि रिएक्शन नहीं करता है। पहले एक चीज और बता चुके हैं अपन कि जितने भी वाटर में से ऑक्सीजन कौन निकाल सकता है, बिल्कुल में से सिर्फ और सिर्फ तीन जने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे ऐसे हैं, F2 है, F2 है, ज़िनोन जी कौन है, F2 है एंड ज़िनोन F4 जी सर। ये रिएक्शन, ये चारों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ज़िनोन F2 एंड ज़िनोन F4 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बेटा जी वाटर में से भी क्या निकाल देते हैं, O2 को बाहर रिमूव कर देते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन किसी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये तीन जने ऑक्सीजन में क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करके O2 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ये रिएक्शन, अलग अलग प्रोडक्ट, तो वहां अपन ने बात की थी जब 40 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता तो इनका एक ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखें नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड इन एच टू एस एंड ओ सिक्स, इसको बोलते हैं थायोनिक एसिड सीरीज, बिल्कुल सर, थायोनिक एसिड मतलब पॉलीथायोनिक एसिड आ गए। जितने होते हैं उनसे एक कम मिलता है, इसमें आएगा एन माइनस वन मिलेगा, जबकि इसने क्या रखा है एन प्लस वन, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब कई बार सर इसको यूं दे देता है, ये भी चीज इनको ध्यान में, कई बार स्ट्रक्चर बढ़ा करके इनको शो कर देता है, जैसे सल्फर है डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एस एन एस डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। यहाँ की अगर बात करें ना तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है इसके लिए n प्लस वन हो सकता है, लेकिन यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा है, सीधे सल्फर के क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो दो सल्फर पहले से है, तो यहाँ n की वैल्यू जीरो रखेगा तो एक बॉन्ड हो जाएगा, एक रखेगा तो कई क्या करते हैं इसी स्ट्रक्चर के चक्कर में सीधा इसको ट्रू मान लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर के लिए तो ये बात सही है, लेकिन अपने दोनों फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला भी इसी बात गलत हो जाएगी, बिल्कुल। नेक्स्ट सर, When F2 react with water, give HF, O2 and ozone। अभी भी बात की थी, बिल्कुल बात की थी। ये तो क्या हो गया? True हो गया। तो ये true हो गया, पहला false हो गया। और beryllium और magnesium बिल्कुल polymeric है, लेकिन अगर ionic होते तो polymeric। polymeric नहीं। क्योंकि ये nature तो covalent compound। इसके कारण wrong हो गया। हाँ। ionic के कारण। beryllium और magnesium hydride दोनों ही अपने covalent। covalent। तो अपना पहला false, फिर true, फिर false। तो answer आ गया अपना first। Next देखें sir। जी sir। Choose the correct sequence for geometry of the given molecules। Molecules के लिए बात करें। बिल्कुल सर। पहला दे रखा है borazone, फिर borazole। इनके बारे में बताएं सर। इसमें सर ये बड़ा confuse करता है। borazone तो अपना होता है inorganic graphite, जिसको अपन BN boron nitride भी बोलते हैं। अब बच्चों को confuse ये करता है, एक borazine और आता है। तो ये जो borazone होता है ना, इसी को borazine भी बोल सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। इसमें कंफ्यूज होता है बोराजोन और बोराजीन। ये बोराजोन या बोराजीन जो है वो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक
बेंजीन है। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है और ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। जैसा कि अपने बोलते हैं ग्रेफाइट प्लेनर होता है, ठीक है, वैसे ही अपना इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो ऑर्गेनिक बेंजीन प्लेनर होता है, तो ये भी अपना प्लेनर होता है। तो अपना ये प्लेनर आ जाएगा, ये प्लेनर आ जाएगा। नेक्स्ट बात कीजिए सर, B3O6-3 इसके अगर स्ट्रक्चर बनाए हम, तो B O B O B O B और यहां पर क्या है O- 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 ये ट्राइमर ऑफ मेटाबोरेट, ट्राइमर ऑफ मेटाबोरेट है। तो इसमें यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये कैसा बन जाएगा अपने पास, ये प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे अभी SP2 hybridization हो गया और इसमें SP3 की बात करें तो दो लोन पेयर वो भी प्लेनर मिलती है, वी शेप होती है अपने पास, तो ये भी प्लेनर आ जाएगी। तो तीन अपने को प्लेनर मिल चुकी है, प्लेनर आ गया अपने पास। अगर F2Cl6 की बात करें, F2Cl6 में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है अपने को, बिल्कुल सत्य है Al2Cl6 की तो। और इसकी बात अपन सर्कल कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि दो तो एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन एक अबोधी प्लेन है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्लेन। अगली बात करें ट्राइमर ऑफ FCN, इसके लिए सर अपन कह सकते हैं ये नॉन प्लेनर। अगर ट्राइमर ऑफ FCN देखें तो इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं, FCN का ट्राइमर देखें F3C3N3, इसके अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगी, C डबल बॉन्ड N और ये कार्बन हो गया, और एक एक फ्लोरीन बचा हुआ है, और कार्बन के एक वैलेंसी बची हुई है, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, फ्लोरीन लगा देंगे। तो अपन ने देखा कि सभी यहाँ पर क्या है SP2 hybrid, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर मिल जाएगा बिल्कुल सर। ये स्ट्रक्चर भी कैसी आ जाएगी अपने पास, प्लेनर आ जाएगी, कितना आ जाएगा, प्लेनर 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 एंड नॉन प्लेनर प्लेनर जी। नेक्स्ट बात करें जी सर, SPF5 की अभिक्रिया जीनोन F4 के साथ करवाने पर योगात्मक उत्पाद बनता है, बने योगात्मक उत्पाद के लिए धनायन व ऋणायन की ज्यामिति होगी, बताइए सर। सर इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके ये NCERT में रिएक्शन दे रखी है, एक तो फिफ्थ ग्रुप के साथ है, तो फिफ्थ ग्रुप के साथ जब भी जीनोन फ्लोराइड, इसी की बात नहीं कर रहा है, कोई सा भी जीनोन फ्लोराइड हो, जब भी इससे रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपका जीनोन फ्लोराइड है वो एक अच्छा फ्लोराइड डोनर बन जाता है। लेकिन यही बात जब एल्कलाइन मेटल्स की बात कर देते हैं, एल्कलाइन फ्लोराइड की, ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना जीनोन फ्लोराइड होते हैं, चाहे कोई सा ही हो, वो अच्छा फ्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये जो मेटल है वो आपकी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम होना चाहिए, लिथियम यहाँ पे काउंटेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो ये फ्लोराइड एक्सेप्टर बनेंगे, यहाँ फ्लोराइड डोनर बनने वाले। तो इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक अच्छे फ्लोराइड डोनर होने से ये एक्सेप्टर बन गया, तो बन जाएगा XeF4+3 और ये हो जाएगा SbF6-। तो जैसा कि ट्रिक है अपनी, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो अपना आ जाएगा 8-3-11-1 चला गया SP3D, तो यह तो आ जाएगा टी शेप, क्योंकि दो लोन पेयर है, तो ये तो हो गया टी शेप। इसकी बात करें तो ये हो गया SP3D2, तो ये आ जाएगा अपना ऑक्टाइड, तो टी शेप आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट बात करें सर जी सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सर, जीनोन F6 डिसॉल्व इन एनहाइड्रस HF टू गिव ए गुड कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हिच कंटेन, बिल्कुल सर ये नॉन मेटल फ्लोराइड आ गया, बिल्कुल सर। और नॉन मेटल फ्लोराइड में जैसे कि अपन ने बात की थी कि ये फ्लोराइड डोनर बनने वाला है, तो ये इसको फ्लोराइड डोनेट कर देगा, तो अपना बन जाएगा XeF5+ और HF2-। ये भी काफी अच्छा है सर, ये एग्जिस्ट करता है दो प्रकार के सोल्ट बनाता है। ये पूछा हुआ है एमपीएमटी में, खैर अपने को तो यहाँ बात करनी है, तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर जीनेट आयन जीनोन O6-4 के लिए बात करें, तो अपन ने देखा कि इसके अगर स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, डबल बॉन्ड O O-,
O माइनस, O माइनस एंड O माइनस देंगे। तो अपना हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल ही सकते हैं, 8 × 4 = 12, तो sp3d2 आ गया, उस हिसाब से मुझे सेव बना लिया। बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि सर ये पोलर है, तो पोलर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 180 पे बैलेंस कर रहे हैं नेगेटिव, और ये पाई भी अपना 180 पे। और अपन ये बोल सकते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पे नहीं हो, लेटरल एटम सेम हो, तो डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो मिलेगा। तो ये तो गया सर। बिल्कुल। फिर कह रहा है इट इज ए प्लेनर, प्लेनर हो नहीं सकता, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है अपना, एक स्क्वायर प्लेनर आ गया, दो पिरामिड आ गया। तो ये दे भी रहा बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो मेरे वाले ट्रिक अपना लेते हैं। बिल्कुल सर। कौन सी? डबल बॉन्ड O काउंट कर लो, O नेगेटिव वाले काउंट कर लो और उन्हें ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो। तो मैंने काउंट किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बेटा कितने आ जाएंगे, 6 ऑक्सीजन है, इनको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। तो ये अपना, वरना अपन वैसे भी सोच सकते हैं कि 2 पाई बॉन्ड 6 जगह पर जा रहे हैं जी सर, तो एक के हिस्से कितने आएगा, 0.33 आएगा, तो एक बॉन्ड पहले से पड़ा है, 0.33 और आ गया, तो आंसर आ जाएगा 1. जी ठीक है सर, आप वाले ट्रिक, इससे थोड़ा श्योरिटी आ जाती है। बिल्कुल सर। फिर इसमें बात करें, मॉलिक्यूलर आयन हैज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, तो ऑक्टेट जहां से sp3d शुरू हो गया वहां वन टाइप के तो हो ही नहीं सर। बिल्कुल, ये 180 हो जाएंगे। हां, और 90 के हो गए, ये 1 और सॉरी ये 90 का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये सीधे 180, तो तीन तो 180 के हो गए, तो 12 और 12 आपने 90 के हो गए, तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया, आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं MF plus xenone F4। बिल्कुल सर, अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात की हुई है भाई, M की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, फिर यहाँ से जब इसके साथ, तो ये डोनर का काम करेगा, तो यहाँ पे बनने वाला है XEF6 4 5 5 5 माइनस, और साथ में ये अपना M प्लस बन जाएगा। तो देखो 8 × 5 = 13 और एक हो गए कितने, 14, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d3, और sp3d में D3 में अगर दो लोन पेयर आ जाते तो वो पेंटागोनल प्लेनर हो जाते, थर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक्स दे रखा है, एक्स में यहां पर एक्सेस एक्स जीनोन है, जीनोन F6 है। हां, ये फार्मूला स्प्रिंटिंग है यहां पर, इसको आप है जीनोन F 6 कर ले, जीनोन F6 आएगा। इसमें कह रहा है एक्सिस में H2O कराएं, मतलब एक्सिस में इसका हाइड्रोलाइज कराएं। बिल्कुल सर, अपने को पता है यहां पर क्या बनता है, जीनोन O3 का फॉर्मेशन होता है, जो सर एक्सप्लोसिव होता है। बिल्कुल, एसिड स्टेबल होता है। और यहां पर अगर बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, जीनोन O2 F2 का फॉर्मेशन करता है, इसे कहते हैं जीनोन। बिल्कुल सर, O2 F2 का। अगर इसमें एक ही वाटर का मॉलिक्यूल देता तो अपना जीनोन OF4 का फॉर्मेशन होगा। खैर, अपन बात कर रहे हैं एक्सिस एक्सप्लोसिव, बिल्कुल जीनोन O3 एक्सप्लोसिव होता है। ये दो तो याद रख लेना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक तो NCl3 और दूसरा जीनोन O3, ये दोनों ही कैसे होते हैं, विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं। बिल्कुल सर, NCl3 के लिए दे रखा है, इसी प्रकार है NCl3 अनस्टेबल होता है, तो ऐसे आप NBr3 और Ni3 के लिए भी आप यहां पे बात कर सकते हैं। व्हाई इज एन ऑक्सी एसिड ऑफ जीनोन, व्हाई ऑक्सी एसिड नहीं है, ऑक्सी एसिड के लिए OH आनी चाहिए। Both are example of non-redox reaction. एक बार तो सर ये confuse होते कि oxyacid कैसे होंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखो, अगर center के साथ है, ये central atom, इससे double bond के साथ कम से कम एक oxygen होना चाहिए और उनके पास कम से कम एक OH होना चाहिए, फिर आगे की condition देखेंगे, ये होंगे तो oxyacid होंगे, ये तो होने ही होने चाहिए, must have. Next देखें, both are example of non-redox reaction. बिल्कुल सर, जिनोन हेक्साफ्लोराइड का चाहे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करो चाहे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करो, ये कभी भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जिनोन अपना डाइफ्लोराइड और टेट्राफ्लोराइड है, उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो हमेशा एक रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, उनका अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहां पे कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे। उस साथ में अपन देखते हैं जिनोन F4 वाला विषमानुपातिकरण अभिक्रिया का उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल सर, और जैसा कि सर ने कहा कि एक कंपाउंड तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड और डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन बनने वाला है ही है। बिल्कुल सर, क्योंकि वाटर के साथ वही ऑक्सीजन देगा। बिल्कुल सर, तो अपना आंसर है, तो ये भी सही बात है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये अपना करेक्ट हो गया। फिर आगे देखें, बिल्कुल पार्शियल दे रखा है ना, ये कह रहा है सर पार्शियल दे सकता है, ये पार्शियल है, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, ये भी करेक्ट हो गया, आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया, तो अपना सेकंड आंसर यहां पे आ जाएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कौन से आ गए सर आपके अपने पास, वन और मोर देन वन आ गए हैं। पहला बात करें आई माइनस इज वीकर बेस देन एफ माइनस, तो ये इसके बेस पर दे सकते हैं, कंजुगेटेड बेस थ्योरी पर दे सकते हैं अपन। तो अपन अगर बात करें एच आई एंड एच एफ, तो इन दोनों में तुलनात्मक बात करें तो ऊपर वाला तो स्ट्रॉन्ग ऐसे दे देते हैं और ये भी ऐसे दे देते हैं, वन डिस्टेंस से अपन ये चीज देखेंगे। बिल्कुल सर, तो ये टूटेगा किसमें जाएगा आई माइनस, और ये किसमें जाएगा एफ माइनस में जाएगा। और ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये क्या देगा स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक बेस, और ये वीक एसिड था तो ये क्या देगा स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब आपको यहाँ पे ब्रॉनस्टेड थ्योरी लगानी है। बिल्कुल, जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है और हमेशा स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, वीक का कॉन्जुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग। अपना पहला देखें सर, तो ये कह रहा है आयोडाइड वीकर बेस है, तो बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए वीकर कॉन्जुगेट बेस होगा। ट्रू पूछा है तो पहला स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट हो गए। यहाँ पे अगर देखें तो अवेलेबिलिटी लोन पेयर देने की दोनों के पास नाइट्रोजन की होगी, लेकिन इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डोनेट करने के लिए कम हो जाएगी। ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा जिससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऐसा कोई रोल नहीं है, तो ये अच्छा लोन पेयर डोनर मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है HONS2 इज वीकर बेस देन NH3, बिल्कुल सही बात है। सही बात है। नेक्स्ट बात करें सर, बिल्कुल यहाँ से अगर बात करें सर, जैसे NH3 वही आप वाली लगा लेते हैं अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखे ये अपना बेसिक नेचर का मेनली माना जाता, तो ये वीक एसिड हो गया। बिल्कुल सर, तो जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो NH2- H+ वीक है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस स्ट्रॉन्ग के कॉन्जुगेट बेस इसको अपन बोल सकते हैं। वैसे ही ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड माने इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में बात हो रही है, बाकी वैसे तो आपको पता है ही। तो यहाँ से ये OH- + H+ तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वीक कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा। तो बात शायद यहाँ पे ऐसे ही कर रहा है, OH- इज स्ट्रॉन्गर है जबकि ये अपोजिट बोल रहे, अपोजिट बोल रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्या कह रहा है F3C- is stronger base than CH3Cl, इसको भी अपन conjugated base में कर सकते हैं। हाँ, conjugated base से कर लो, नहीं अपनी वही एक bonding भी बता दो। हाँ, HCH F3 और CH Cl3 की बात करें, दोनों से proton donate करवाते हैं। तो यहाँ पे CF3- तो आपको पता है lone pair donor तो है, लेकिन इसके पास vacant orbital नहीं है, तो back bonding भी है, तो ये less stable है, तो proton donating nature इसकी कम कम हो। दूसरी इसके पास बात करें तो CCl3-, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग इसके पास वैकेंट डी है, तो P-pi-D-pi बैक बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी, इसलिए मोर स्टेबल प्रोटॉन देना चाहते हैं। इसका मतलब ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया अपना वीक एसिड। अब आप वाली वो ट्रिक लगा दे कॉन्जुगेट के पास लेके चले इसको, तो इसका कॉन्जुगेट तो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा और इसका कॉन्जुगेट वीक बेस बन जाएगा। तो F3C- is stronger base, बिल्कुल ये सही बात है सर। तो सही है फोर, तो अपना आ गया आंसर 1, 2, 4 आ गया। नेक्स्ट बात करें अपन, जी सर। F2 react with water to form, बात कर चुके हैं, O2 बनेगा, HF बनेगा और ओजोन बनेगा। जी सर, नेक्स्ट बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, फ्लोरीन इज ए सुपर हैलोजन, बिल्कुल फ्लोरीन को सुपर हैलोजन कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसी की होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल की सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन है, इसको सुपर हैलोजन कहा जाता है। आयोडीन शो मेटलिक करेक्टर, बिल्कुल आप ये देख सकते हो, ये अकेला फ्री स्टेट में केटाइन भी बना सकता है और दूसरा इसमें मेटलिक लूस्टर भी पाई जाती है, इसकी जो सरफेस होती है वो साइनिंग भी देती है, तो दोनों ही चीजें तो ये शो करती है कि इसमें मेटलिक करेक्टर भी होते हैं। AgF इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अगर सॉल्युबिलिटी देखें AgF, तो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है अगर इनमें AgCl, AgBr एंड AgI, इनमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा ये डिक्रीज ज्यादा मिलेगी, ये ही सॉल्युबल ये सॉल्युबल है, बाकी पार्शियली सॉल्युबल होता है, बाकी से सॉल्युबल होते ही नहीं। डिब्लो के हैलाइड के लिए वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, नाइट्रेट मिनरल्स है सारे सॉल्युबल होते हैं वो, चाहे किसी भी ब्लॉक का हो, इसी वजह से अर्थ क्रस्ट में नाइट्रेट मिनरल अपने को मिलते रहते हैं। अगला देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया और ये बिल्कुल सही बात है। देखो सिंपल सी चीज है, अपन बात करते हैं, ये आपके पास एक हैलाइड
और उसी के साथ में एच सी एल दे देता हूँ। हेलाइट क्या करता है, अगर एच प्लस से रिएक्शन करेगा तो एच एक्स बना देगा। बिल्कुल सर। तो ये भी एच प्लस से रिएक्शन कर सकता है तो एच एच सी एल बना देगा। इसके दो एटम एक साथ होते हैं तो एक्स टू बना देते हैं, वैसे ये साइनो गैस थायोसाइनो गैस यहाँ पे बन जाएगी। जिस प्रकार इसकी NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं डाइल्यूट अगर होता है तो NaX और NaOH बनता है, तो वैसे ये भी अपना NaHCN और NaOHCN अपना मतलब कि कहने का मतलब जैसे कि हैलाइड प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, सेम ये शो कर रहे हैं। तो इसको ये हैलाइड है तो ये हो गया स्यूडो हैलाइड, या कई बार इसे पूछ लेता ये हैलोजन तो ये स्यूडो हैलोजन हो गया। अपने एनसीईआरटी में फैक्ट एग्जांपल दे रखे हैं जैसे साइनाइड हो गया, एजाइड हो गया। जनरली इसकी एक ट्रिक है, आप ऐसा याद रखो कि आपके पास से कोई भी कम से कम जिसके अंदर दो एटम हो तो इसको ये बोल सकते हैं मल्टी एटोमिक या पॉली एटोमिक मोनो एनायन, एनायन उस पर एक होना चाहिए, कंटेन नाइट्रोजन उसके पास, नाइट्रोजन होना ही चाहिए, कम से कम दो एटम होने चाहिए, कम से कम दो एटम हो और एक ही नेगेटिव चार्ज हो और उसके बाद नाइट्रोजन हो ही हो तो आपका स्यूडो हैलोजन है। लगभग एग्जांपल आप इसके देख सकते हैं। तो आंसर आ गया अपना 1 2 एंड 4। जी सर। नेक्स्ट बात में सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, किसके लिए SF4 के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए SF4 के लिए बताएं सर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सल्फर डायरेक्टली, डायरेक्टली अगर सल्फर की फ्लोरीन से रिएक्शन करते तो आपको पता ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सुपर हैलोजन है, तो क्या बन जाएगा SF6 में, SF6 के पास आएगा इसी से। ओके सर, तो ये अपना फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर, अगर सल्फर टेट्राफ्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव SO2 एंड HF, बिल्कुल सर, SF4 का अगर हाइड्रोलाइसिस कराता हूं मैं तो मेरे को क्या मिलता है, H2SO3 मिलता है। जी सर। जिसका एंड साथ में HF और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है, अपने को कौन मिल रहा है SO2 और HF प्राप्त हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखें सर, इसमें ये कह रहा है कि SF4 है स्क्वायर प्लेनर से विद सल्फर हैविंग टू लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपने को पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया और एक लोन पेयर रख रहा है, पहली बात तो दो लोन पेयर नहीं रख रहा है, तो ये वैसे स्ट्रांग स्टेटमेंट हो गया और वैसे k शेप हो गया जिसको सीसा शेप या पाई शेप या बिल्कुल हो सकता है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया अपना। जी। और यहां पे देखिए ये कह रहा है कि सल्फर के ऑक्टेट एक्सपेंडेड ऑक्टेट है कि बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 4 ये 10 सुपर ऑक्टेट ही है, बिल्कुल फोर्थ आंसर भी हो जाएगा फिर अपना, आंसर आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट बात करें सर, हाँ तो सर ये अपना इंटरेस्टेड टाइप क्वेश्चन आ गया, देखते हैं चलो इसको सर, बिल्कुल देखिए सर, देखिए व्हाई डज R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट, बताइए सर। बिल्कुल यहाँ पे आप सिंपल सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आपको बताइए सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, बिल्कुल सर, और ये अपना थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, और सेकंड पीरियड वाले तो कभी सुपर ऑक्टेट बना ही नहीं सकते, 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते, क्योंकि वैकेंट टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिट, जबकि ये रख सकते हैं, तो ये तो अपना एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा ही क्वेश्चन और बता दें अपन, PCl5 तो बनता है परंतु NCl5 नहीं बनता, सेम रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिट। बिल्कुल सर, ऐसे PH3 PH5 की अपन बात करें तो अपन कहेंगे कि इसके पास वैकेंट है फिर क्यों नहीं बन रहा, तो आपका पहली बात तो हाइड्रोजन एस से डी में इंटरेक्शन नहीं कर सकता और दूसरा ना एक्साइटेशन करवाने के लिए इसके पास इतनी एनर्जी, सिर्फ ये पी में एक्साइटेशन करवा सकता है, जैसे कि CH4 पॉसिबल है, SiH4 पॉसिबल है, लेकिन जैसे SH2 तो बन जाएगा, दो अनपेड थे बन गए, लेकिन एक्साइटेशन करवाने के लिए इसको अब डी के पास जाना पड़ेगा, तो ये नहीं बनी होता SH6 भी पॉसिबल, ऐसे जैसे SCl4 बनता है लेकिन SCl6 नहीं बनता, तो इसमें भी अपन ये बोल सकते हैं Cl6 है, क्योंकि ये स्टेरिक इंटरेरेंस आ जाएगा भाई, लार्ज साइज के क्लोरीन है तो 6 इसके चारों तरफ अटैच नहीं हो पाएगी। एक अपना सर ये भी आता है काफी अच्छा क्वेश्चन है, SF6 अपने सारी कंडीशन इस पे लग रही है, पार्शियल पॉजिटिव भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी, फिर भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता क्योंकि ये 6 क्लोरीन इसको चारों तरफ से पैक कर चुके हैं, तो H2O के लिए अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये बातें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। ओके, थैंक यू।